गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू कॉटन स्टडी। तो जैसा कि मित्रों आपको ये पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें हम साइंस को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ थ्योरी पार्ट लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मित्रों हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे अपने दोस्तों में शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करवाएँ। आप लोग मित्रों वीडियो को देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक तो ज़रूर कर दिया करें। तो जैसा कि यहाँ पर रेडियो धर्मिता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर वाले तत्व रेडियो धर्मी तत्व कहलाते हैं। रेडियो धर्मी तत्व अस्थिर होते हैं तथा अपने आप का अस्तित्व बनाए रखने के लिए लगातार अपने अंदर से रेडियो धर्मी किरणें, अल्फा किरणें और बीटा किरणें और गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। इन किरणों को बेकुरल किरणें कहा जाता है तथा जो तत्व इस प्रकार की किरणों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा इस संपूर्ण घटना को रेडियो धर्मिता कहते हैं। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो फ्रांस के वैज्ञानिक बेकुरल ने 1896 ईस्वी में किया था। अगर हम रेडियो धर्मिता के मात्रक के बारे में बात करते हैं तो SI मात्रक इनका बेकुरल होता है और एक बेकुरल बराबर 1/6 सेकेंड होता है। इसके बड़े मात्रक क्यूरी और रदरफोर्ड हैं। एक क्यूरी बराबर 3.62 × 10^10 बेकुरल होता है तथा एक रदरफोर्ड बराबर 10^6 6/सेकेंड ये बराबर 10^6 बेकुरल होता है। अगर हम अर्धायु काल के बारे में बात करते हैं तो वह समय अंतराल जिनमें कोई रेडियो धर्मी तत्व तो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है तो उस समय अंतराल में रेडियो धर्मी तत्व तो का अर्धायु काल कहा जाता है। अर्धायु काल का मान अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग होता है। जैसे यूरेनियम 238 की अर्धायु काल 4.46 बिलियन वर्ष होता है। इस प्रकार थोरियम का अर्धायु काल 1.4 × 10^18 वर्ष और रेडियम की अर्धायु काल 1950 वर्ष होता है। रेडियो धर्मिक तत्व का नाभिकीय अस्थायित्व, जैसा कि जो है रेडियो धर्मिक तत्व के परमाणुओं का आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसके कारण प्रोटॉन के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है, लेकिन नाभिक के न्यूट्रॉन की मौजूदगी इस प्रतिकर्षण बल के प्रभाव को कम कर देता है। अतः परमाणु के नाभिक में अस्थायित्व के लिए NP का मान 1 से 1.6 के बीच होना चाहिए। यहाँ N जो है न्यूट्रॉन, P जो है प्रोटॉन है। अब हम बात करते हैं रेडियो तत्वों का तत्वावतरण। किसी रेडियो धर्मिक तत्व रेडियो धर्मिक किरणों का उत्सर्जन करने के बाद दूसरे तत्व में बदलना रेडियो धर्मिक तत्व रूपांतरण कहलाता है। सबसे पहले वैज्ञानिक सारणी ने बताया कि तत्वों के रेडियोधर्मी किरणों का निकलना तत्वों के अस्थायी नाभिक के अस्थायी नाभिकों में बदलने का परिणाम होता है। तत्वों के रूपांतरण के फलस्वरूप ही समस्थानिकों का निर्माण होता है। जैसे जब यूरेनियम 238 से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो वह थोरियम 238 में परिवर्तन कर लेता है। अगर हम अल्फा किरणों के बारे में बात करते हैं तो अल्फा किरणें में अगर हम चर्चा करते हैं तो अल्फा किरणें का आविष्कार हेनरी बेकुरल ने किया था। ये धनावेशित कण होते हैं। जब किसी परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण का क्षरण होता है तो उसके परमाणु भार में 1 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। परमाणु भार में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। एक अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। अगर हम अल्फा किरणों की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो अल्फा कणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के अथवा जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। इनका वेग जो होता है प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। एक अल्फा कण का द्रव्यमान 4 इकाई तथा 2 इकाई का धनावेशित होता है। अल्फा कण की आयन क्षमता सभी तीनों कण अल्फा, बीटा और गामा किरणों में सबसे अधिक होता है। अल्फा कण जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित हो जाते हैं। ये कण धनावेशित होने के कारण कैथोड की ओर विचलित हो जाते हैं। जैसा कि अल्फा कण स्फुर दीप्त का गुण रखते हैं और कुछ विशेष पदार्थ जैसे हीरा, जिंक, सल्फाइड आदि के ऊपर पड़ने पर प्रदीप्त उत्पन्न करते हैं। इन किरणों के बीच भेदन क्षमता बहुत तो होती है। ये 0.1 mm की मोटाई की एल्युमिनियम की चादर को भी भेद सकते हैं। अल्फा कण जो है फोटोग्राफिक फिल्म को भी प्रभावित करते हैं। अगर हम बीटा किरणों के बारे में बात करते हैं तो बीटा किरणों का क्षरण, बीटा किरण की खोज जो है
बीटा किरण की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। इनकी प्रकृति ऋणात्मक होती है। बीटा किरणें तीव्र वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं। जब किसी रेडियो धर्मिक तत्व से बीटा कण का क्षरण होता है तो उस तत्व में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रॉन आ जाते हैं तथा तत्व के परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि हो जाती है। बीटा किरणों की भेदन कुछ विशेषताएं होती हैं। बीटा किरणों की प्रमुख विशेषताएं निम्न होती हैं। बीटा किरणों पर एक इकाई ऋणावेशित तो आवेश होता है और इनका क्या होता है? और इनका विराम अवस्था में द्रव्यमान शून्य होता है। ये प्रकृति में ऋणात्मक होने के कारण विद्युत क्षेत्र में एनोड की तरफ विचलित हो जाती हैं। बीटा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा कणों की तुलना में 100 गुना होती है। बीटा किरणें की आयनीकरण की क्षमता गामा किरणों की तुलना में 100 गुना होती है। ये किरणें स्फुरदीप्त प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसा कि मित्रों, इनका वेग प्रकाश की चाल से थोड़ा कम होता है। बीटा किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को प्रभावित करती हैं तथा फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। अब गामा किरणों की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो गामा किरणों की खोज बेकुरल वैज्ञानिक मैरी और क्यूरी दोनों ने किया था। मित्रों, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो मैरी और क्यूरी दोनों ने के सम्मिलित रूप से हुआ था। गामा किरणें का द्रव्यमान रहित तथा आवेशहीन ऊर्जा के बंडलों से मिलकर बनी होती हैं। गामा किरणें द्रव्यमान रहित और आवेशहीन ऊर्जा के किरणों से मिलकर बनी होती हैं। इनका तरंग दैर्ध्य कम होता है तथा इनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। इनकी भेदन क्षमता कैसी होती है? इनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। हाँ, गामा किरणों की आयन क्षमता बहुत कम होती है। इनका वेग प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। गामा किरणें 30 सेंटीमीटर मोटाई की स्टील की चादर को भेदकर पार कर जाती हैं। गामा किरणें स्फुरदीप्त का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इन किरणों को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। इन किरणों पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। इन किरणों का फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। जैसा कि एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म AMU होता है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई उन द्रव्यमान को कहते हैं जो कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। इसे AMU से अथवा U से प्रदर्शित करते हैं। एक AMU बराबर 1.66033 × 10⁻²⁷ किलोग्राम होती है। इनकी ऊर्जा 931 EMV होती है, मतलब कि मिली वोल्ट होता है। तथा 1 MeV बराबर कितना होता है? 1.66 × 10⁻³ जूल होता है। नाभिकीय विखंडन के बारे में बात करते हैं। तो जब कोई भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। सबसे पहले ऑटो हान और स्ट्रांसमैन नामक दो वैज्ञानिकों ने रेडियो धर्मीय तत्व के नाभिक को तोड़ने में सफलता प्राप्त की। इन नाभिकों ने अपने प्रयोग में यूरेनियम 238 के परमाणुओं का प्रयोग किया तथा उस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की, जिससे यूरेनियम 235 टूटकर दो हल्के नाभिकों में बट गया तथा इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन हुआ। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के द्रव्यमान की क्षति हुई और यही द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। हम बात करते हैं कि जो है जो नाभिकीय विखंडन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, दूसरा होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नियंत्रण करना असंभव है। इस श्रृंखला अभिक्रिया के परमाणुओं की संख्या गुणोत्तर के रूप में के क्रम में आगे बढ़ती है। परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण होता है। अगर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के परमाणु के विखंडन के दौरान उत्पन्न 3 न्यूट्रॉनों में से दो को हम रास्ते में ही रोक लेते हैं, जिससे परमाणु विखंडन की प्रक्रिया नियंत्रित हो जाती है। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग परमाणु भट्टियों तथा नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है तथा परमाणु भट्टी का वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने 1942 में बनाया था।
अब नाभिकीय संलयन के बारे में बात करते हैं। तो नाभिकीय संलयन उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का ही परिणाम है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी बोलने में। समस्थानिक के बारे में बात करते हैं। एक ही तत्व के समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न भिन्न परमाणु वाले तत्वों को उस तत्व के समस्थानिक कहते हैं। रेडियोधर्मिक तत्व के वे समस्थानिक परमाणु जो रेडियोधर्मिता का गुण प्रदर्शित करते हैं रेडियोधर्मिक समस्थानिक कहलाते हैं। इनका प्रयोग कृषि, चिकित्सा, अभिनियंत्रित, पुरातत्व विज्ञान आदि अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। रेडियोधर्मी सोडियम 24 का प्रयोग रक्त प्रवाह के वेग को मापने के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि का पता लगाने के लिए किया जाता है। और अगर कोबाल्ट 60 का प्रयोग देखते हैं तो ये कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि हम रेडियोधर्मिता के बारे में इतना टोटल आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए थे, अगर ये जो भी मटेरियल आपको दिया गया अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक तो ज़रूर कर दिया करें मित्रों, इससे क्या होता है कि हमको भी लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं हमारे मित्रों को समझ में आ रहा है। और इस लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि हम भी जो है लाइव क्लास लाने वाले हैं जो आपको बोर्ड पर सीधा पढ़ाएंगे। और हम साइंस ये प्रयास करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्टेंट दें। हम ये 10 दिन के अंदर में हम सोच रहे हैं लाइव क्लास आपके लिए ले आएंगे। तो मित्रों, जैसा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, हम अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।